तो हाँ भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिमूव एनिमेशन के बारे में, और हम लोग देखने वाले हैं कि ये होती क्या चीज़ है। वैसे इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो बहुत पुरानी भी हो गई है और उसमें मेरी आवाज़। तो हाँ, सबसे पहले जान लेते हैं रिमूव एनिमेशन होता क्या है। तो जब भी हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं, आप बेक लेते हैं, आगे जाते हैं, कुछ भी चीज़ ओपन करते हैं, तो उसमें एक एनिमेशन आता है जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है किसी भी UI में। एंड अगर हम इसको ऑफ कर दें तो फोन थोड़ा सा फास्ट फील होता है, लेकिन वहीं पे एकदम रुका रुका सा फील होता है। और इसे यूज करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तो अगर आपके फोन में रिमूव एनिमेशन की सेटिंग है तो डायरेक्टली उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपके पास रेडमी का फोन है, पोको का फोन है, या फिर शाओमी मी, जिनका भी फोन है, उनमें तो ये सेटिंग आपको देखने के लिए मिली जाती है। और अगर कोई दूसरी कंपनी का फोन है जिसमें ये फीचर या ये ऑप्शन नहीं है, तो आप दूसरा मेथड हमारा देख सकते हैं। तो पहला मेथड है, आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, देन आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है, देन आपको रिमूव एनिमेशन में जाना है। एंड रिमूव एनिमेशन को ऑन अगर आप कर देते हो तो आपके सारे एनिमेशन बंद हो जाएंगे, एंड आपको फिर कोई एनिमेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। रिमूव एनिमेशन के साथ में और बिना रिमूव एनिमेशन के, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर बात करें सेकंड मेथड की, तो जिनके फ़ोन में सेटिंग नहीं है वो डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल कर लें। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं YouTube पर, और इनेबल करने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, देन आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन दिखेंगे, तो इनको आपको ऑफ पे कर देना है। अगर आप ऑफ पे नहीं करते और किसी और नंबर पे कर देते हो तो आपका एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, जो कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप इसको ऑफ पे कर देते हो तो ये बिल्कुल आपके रिमूव एनिमेशन की तरह काम करेगा। और अगर आप डेवलपर ऑप्शन को ऑफ कर देते हो तो फिर से आपके एनिमेशन चालू हो जाएंगे, इसलिए अगर आपको ये चालू रखना है तो आपको डेवलपर ऑप्शन भी चालू रखना पड़ेगा। इस वाली वीडियो के लिए तो बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर पिछली वाली वीडियो से ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। एंड अगर आपको इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, वो वीडियो भी एंड स्क्रीन में मैंने डाल दी है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।